तो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोहन व्लॉग। सो भाई मैं था अभी रॉयल एनफील्ड में और मेरे साथ है द BS 650 जो कि वेरी लेटेस्ट लॉन्च है फ्रॉम द साइड ऑफ रॉयल एनफील्ड और बाइक बहुत ही ज़बरदस्त है। आपको ऑलरेडी पता है कि ये बाइक किस पे बेस्ड है और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इस बाइक के बारे में होगी और कुछ इन्फॉर्मेशन आपका भाई दे देगा आपको। तो वीडियो पूरी लास्ट तक देखना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कोई भी जो और वीडियो में आपको नहीं मिली वो आपको भाई देगा, तो वीडियो पूरी लास्ट तक देखना, जरा भी मिस मत करना। सो ये देख सकते हो, ये है अपनी रॉयल एनफील्ड BS 650 और बाइक देखने में क्या ही खूबसूरत और क्या ही बढ़िया लग रही है। अब बाइक देख रहे हो आप कितनी सुंदर लग रही है। अगर आपको यहाँ पे बाइक देखते देखते 2 मिनट में अगर आपको दे दूँ, 2 मिनट के 10 सेकंड ले लो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक, फिर वीडियो में बढ़ दें आगे। तो होप करता हूँ कि यार आपने चैनल कर दिया होगा सब्सक्राइब और वीडियो कर दी होगी लाइक। और जो भी आपका फ्रेंड है, कोई भी अगर 600+ CC की बाइक लेने की सोच रहा है तो भाई ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हो ऑटोमोटिव में और रॉयल एनफील्ड्स में तो आप देख सकते हो भाई ये रॉयल एनफील्ड की BS 650 है जो कि आप कह सकते हो दिस ये न्यू जनरेशन इंटरसेप्टर या फिर आप बिल्कुल न्यू जनरेशन एक बाइक कह सकते हो। अब ये जो बाइक है ना ये बेस्ड है अपनी इंटरसेप्टर पे या कॉन्टिनेंटल आप कह सकते हो, सेम प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है ये बाइक, सेम इंजन शेयर करती है ये बाइक। अब ये बाइक को लॉन्च क्यों किया रॉयल एनफील्ड ने वो आपको बता दूँ सबसे पहले, क्योंकि बाइक जो है ना ये है अपनी भाई कह सकते हैं। सो ये जो दो बाइकें आप देख रहे हो ये दोनों ही अपनी है BS 650। जो पीछे खड़ी है वो अपना टॉप वेरिएंट है, जो कलर का ही डिफरेंस है दोनों में। और आपको बात करें फीचर वाइज तो कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा दोनों बाइक्स में। बाकी ये जो बाइक है ये है अपनी स्क्रैम्बलर कैटेगरी में आती है, तो ये एक प्रॉपर स्क्रैम्बलर बाइक है। तो इसमें जो भी चीज़ है इसके अंदर रॉयल एनफील्ड ने दी है ना वो ये स्क्रैम्बलर बाइक में आपको देखने को मिल जाती है। अब अगर इस साइड से देखोगे तो इस साइड से देख लो भाई, देखने में कितनी ही बढ़िया लग रही है, कितनी ही खूबसूरत लग रही है। अब अगर बात करें भाई रॉयल एनफील्ड के पास ऑलरेडी यहाँ पे 3 बाइकें थी जो 650 CC कैटेगरी के अंदर थी, फिर भी रॉयल एनफील्ड ने इसको क्यों लॉन्च किया। अभी बात करें अपने पास ये शॉटगन है, ठीक है, अभी जो भी ये भी रिसेंटली लॉन्च है और आप देख सकते हो मतलब इसकी ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह कितना लो है और इसकी चेसी वगैरह बिल्कुल डिफरेंट आपको चेसी मिल जाती है। हाँ इंजन यहाँ पे सेम यूज़ हो रहा है बट अगेन इंजन की जो स्पेसिफिकेशंस है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है और इसके इंजन स्पेसिफिकेशन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। दोनों की ट्यूनिंग अलग है और दोनों में अगर आप एग्जॉस्ट देखोगे ना तो वो भी अलग तरीके से दिए गए। इसमें आपको 2-in-1 एग्जॉस्ट दिया हुआ है, इसमें आपको 2 एग्जॉस्ट दिए, क्योंकि भाई अपना जो ये इंजन है ना बियर में और जो अपनी 650 CC की अदर बाइक्स आती है रॉयल एनफील्ड में ये पैरेलल ट्विन इंजन आता है इसके अंदर, तो यहाँ पर आपको 2 सिलेंडर्स मिलते हैं, तो यहाँ पे 2 एग्जॉस्ट पाइप भी मिल जाते हैं आपको देखने को, तो यहाँ पे 2-in-1 करा हुआ है। अब ये क्या है ना भाई, ये बिल्कुल एक न्यू प्रोडक्ट है और काफ़ी पावरफुल रहने वाली है ये, बात करें अगर अपने इंटरसेप्टर वगैरह से, और लाइट वेट भी रहने वाली है, ठीक है। तो अब ये जो बाइक अगर आप फ्रंट से देखो तो फ्रंट से देखने में आपको देख लो काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी बढ़िया सी देखने को लगने वाली है, काफ़ी बड़ी लगती है बाइक देखने में, मतलब लगती है कि यार अगेन 650 CC की बाइक है, तो वो कहीं ना कहीं रिजेंबल यहाँ पे होती है ये बाइक आराम से। बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे हेडलाइट में, तो हेडलाइट्स में अगर आपको दिखा दूँ ऑन करके तो ये देख सकते हो, ये है कुछ इसकी हेडलाइट जो आपको LED हेडलैम्प देखने को मिलने वाली है, रिफ्लेक्टर बेस्ड LEDs मिलेंगे आपको इसके अंदर। ऑलरेडी ये जो हेडलाइट्स है ना ये आपने हिमालयन के अंदर या गुरिल्ला के अंदर ये आपने देख ली होगी, और अगेन आपको इसके अंदर भी सेम ही मिल जाती है जो अपनी ये खड़ी शॉटगन, तो इसके अंदर भी सेम ही हेडलाइट देखने को मिल जाती है इसके अंदर भी। बाकी ये बात करें यहाँ पर फ्रंट में जो सस्पेंशन दिए हैं, अगेन यहाँ पर ये बहुत बड़ा अपग्रेड है बात करें और अदर रॉयल एनफील्ड से, तो यहाँ पर आपको फ्रंट में शोवा के सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, तो शोवा के USD फोक्स देखने को मिल रहे हैं। अगेन यहाँ पे बस इसमें ब्लैक मिल रहे हैं और यहाँ पे आपको गोल्डन कलर में मिल रहे हैं, तो आपके ऊपर है, कलर प्रेफरेंस आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा कलर बाय करना है, वो आपके ऊपर है। बाकी ये मतलब 2 कलर अवेलेबल है इसके, जो भी जितने भी आप कलर अगर आप जाओगे वेबसाइट पर जाके कलर आप चेकआउट करोगे तो सारे के सारे कलर यहाँ पर शोरूम पर अवेलेबल है। और शोरूम जो रहने वाला है ये अपना ये रहने वाला है भाई सिटी वॉक के बैक साइड में, साउथ दिल्ली में शोरूम है, तो जस्ट सिटी वॉक मॉल है ये, जैसे ये उसकी बैक साइड है, तो यहीं पे रॉयल एनफील्ड का शोरूम है, आप डाल के आ सकते हो साउथ दिल्ली में। ये काफ़ी मतलब ये एक अच्छा ब्रांड, मतलब ब्रांड का शोरूम है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ पे आपको अच्छी डील और अच्छा ऑफर और साथ ही में EMI ऑप्शंस और साथ ही में लो डाउन पेमेंट में आपको बाइक फाइनेंस करके यहाँ से दे दी जाएगी। अभी बात करें यहाँ पे बाइक की तो साइड लुक से देख लो कुछ इस तरीके से देखने को मिलने वाली है कि काफ़ी बढ़िया लग रही है साइड से देखने में भी, इस तरीके से देख सकते हो आप। बाकी मैं आपको ये बता रहा था कि भाई इसमें फ्रंट में जो सस्पेंशन दिए ना ये काफ़ी अच्छे ट्रैवल, काफ़ी यहाँ पे सस्पेंशन का जो ट्रैवल है ये भी काफ़ी अच्छा दिया गया, साथ ही में यहाँ पे शोवा का सस्पेंशन यूज़ करें तो अगेन आप समझ सकते हो कि भाई शोवा मतलब ये सब ना सुपर बाइक्स में आते हैं शोवा वगैरह के सस्पेंशन, तो यहाँ जैसे ये देख लो यहाँ पे शोवा लिखा हुआ है, तो ये शोवा के आपको यहाँ पे सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। बाकी फ्रंट में जो अपने डिस्क ब्रेक है याद रख सकते हो, ये 320mm की डिस्क देखने को मिल जाती है 19 इंचेस अलॉयज के साथ, और फ्रंट में जो आपको ये मिलेगा, सॉरी 19 इंचेस अलॉय नहीं है ये, अगेन ये स्टील रिम आपको देखने को मिल जाएगा फ्रंट में 19 इंचेस का 320mm की डिस्क विद वाइब्रे ब्रेक कैलिपर्स,
और फ्लोटिंग ब्रेक कैलिपर है, फोर पिस्टन ब्रेक कैलिपर आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अब बात करें अगर यहाँ पे फ्रंट टायर की, तो यहाँ पे जो स्क्रैम्बलर लुक में जो टायर होता है ना ऑफ रोडिंग टाइप में, उस तरीके का टायर देखने को मिलता है MRF की साइड से। तो वो आपको यहाँ टायर देखने को मिलेगा 19 इंचेस व्हील के साथ 100x90 सेक्शन का टायर आपको देखने को मिल जाएगा। ये तो 100 इसकी वाइडनेस है और जो वॉल साइज़ है ये आपको मिलेगा 90 का। तो इस तरीके से आपको ये मिलने वाला है। अब बात करें यहाँ पे फ्रंट मडगार्ड की, तो फ्रंट मडगार्ड अपना रहने वाला है ये प्लास्टिक का रहेगा, ये फाइबर में है। तो बाकी यहाँ पे ना ये जो हिंजेस दे रखे हैं, सपोर्ट दिया हुआ है, ये पूरा मेटल का सपोर्ट आपको मिलेगा यहाँ पे भी और एक ये यहाँ पीछे भी। तो यहाँ पे आपको पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो ये जो मतलब जनरली जो रॉयल एनफील्ड के जो ये इंजन होते हैं, थोड़ी बहुत जो वाइब्रेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि ये फाइबर पार्ट है। तो उस तरीके से यहाँ पे ये मैनेज किया हुआ है, बाकी बढ़िया है। पेंट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी है और यहाँ पे पूरा प्रॉपर ना आपको ये यहाँ पे जो ये प्रॉपर ब्रैकेट दिए हुए हैं ताकि ये अपना मतलब फिक्स पोजीशन पे रहे और ज़रा भी यहाँ पे वाइब्रेशन वगैरह ना क्रिएट करे। तो ये काफ़ी अच्छा लगा। साथ ही में अगर मैं आपको इसके इंडिकेटर्स दिखा दूँ, तो इंडिकेटर्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे दे रखे हैं, देख सकते हो। तो काफ़ी बड़े से ब्रॉड से इंडिकेटर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं और काफ़ी ब्राइट है, LED है। और इस बाइक में ना सबसे अच्छी खास बात क्या है कि इसमें आपको सब कुछ LED ही देखने को मिलता है। इस बाइक में आपको कुछ भी हेलोजन देखने को नहीं मिलेगा। अब आपको यहाँ से दिखाऊँ मैं अगर टैंक से, तो ये देख सकते हो ये है इसका टैंक जो कि 13.4 लीटर के फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आ जाता है। साथ ही में ये जो इसका इंजन है, ये इंजन की एक खास बात है कि भाई इसमें पावर इंक्रीज है, साथ ही में इसमें टॉर्क इंक्रीज है। पावर की बात करें तो यहाँ पे 47 PS की पावर आपको देखने को मिल जाती है एंड टॉर्क की बात करें तो लगभग 55 न्यूटन मीटर के आसपास में टॉर्क देखने को मिल जाता है। बाकी एग्जैक्ट जो फिगर है वो आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो ही जाएंगे। और ये जो इंजन है ये अपना एयर ऑयल कूल्ड इंजन देखने को मिल जाता है और पैरेलल टू इंजन है। तो यहाँ पे आपको 2 सिलेंडर देखने को मिलेंगे, एक एग्जॉस्ट एयर, एक एग्जॉस्ट पाइप उस साइड से है, तो दो है, बाकी दोनों को 2-in-1 करा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा यहाँ पे आपको एक ऑयल कूलर भी दिया हुआ है। अब अगर मैं आपको ऑयल कूलर की फंक्शनैलिटी बताऊँ तो मैं आपको इससे ले चलता हूँ, तो यहाँ से आपको ऑयल कूलर की फंक्शनैलिटी समझ में आ जाएगी इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ये दो पाइप हैं जो ये अपने ऑयल कूलर के अंदर जाते हैं। अब होता क्या कि एक पाइप से आपका ऑयल जाता है इसके अंदर, यहाँ से ठंडा होता है, एयर से ठंडा होकर वापस आपके इंजन में जाता है। और सेकेंड चीज़ है कि यहाँ पे जो ये फिन्स दे रखे हैं तो इसके थ्रू आपकी बाइक एयर से भी ठंडी होती है, साथ में यह ऑयल से भी ठंडी होती है। तो आपका ऑयल भी ठंडा हो रहा है, साथ ही में एयर से भी आपका इंजन जो है वो ठंडा हो रहा है। बाकी देख लो यहाँ पे एयर फिल्टर वगैरह देख लो, उसमें ये ऑयल फिल्टर दिया हुआ है इतना बड़ा इसका पूरा ना, सुपर बाइक वगैरह में जैसे आता है प्रॉपर वैसे ही ऑयल फिल्टर दिया हुआ है। और जो 2-in-1 वाली बात कर रहा था मैं, एक बैंड पाइप देखो ये रहा, एक बैंड पाइप ये रहा, तो 2-in-1 दो सिलेंडर है, दो सिलेंडर ऐसे आके यहाँ पे मर्ज होकर सिंगल हो जाती है पूरा। और यहाँ से फिर सिंगल होके पूरा यहाँ पे अंडर बैली के होते हुए ये आपको पूरा एग्जॉस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिंगल एग्जॉस्ट देखने को मिलता है, बट अगेन एग्जॉस्ट मैं आपको सुनाऊंगा फिर आपको बताऊंगा कि इसका एग्जॉस्ट भी है ना, इसमें भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो रॉयल एनफील्ड ने गेम प्ले किया है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो वो वीडियो में बने रहो उसके लिए। बाकी इंजन काफ़ी बढ़िया है और अपना जो इंजन है ये पूरा फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है और काफ़ी टेस्टेड ट्रायल टेस्टेड इंजन है। तो इस बाइक में कहीं कोई दिक्कत आती नहीं है, बढ़िया इंजन है, एकदम रिलायबल है, कोई भी इशू नहीं है। क्योंकि रॉयल एनफील्ड ने पहले ही काफ़ी टेस्ट कर लिया अपनी कॉन्टिनेंटल में है, GT में है, इंटरसेप्टर में, तो ये सब यहाँ पे टेस्ट हो चुका है ये इंजन अच्छी तरीके से। तो वो देख सकते हो, बाकी चेसी जो देख सकते हो आप, चेसी ऑलमोस्ट सेम रहने वाली है। टैंक भी मुझे काफ़ी हद तक सेम ही लग रहा है इसका देखने को। बाकी अगर कोई डिफरेंस है, एक बार आपको कोई डिफरेंस लगता है इंटरसेप्टर वगैरह से तो एक बार कमेंट करके ज़रूर करना, आपके कमेंट आते हैं ना तो भाई काफ़ी बढ़िया लगता है। और बाइक भी कैसी लग रही है एक बार ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि बाइक अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही, या जो भी आपके पर्सनल रिव्यूज़ हैं वो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट जाके ज़रूर करना। बाकी सीट देखोगे सिंगल सीट देखने को मिलने वाली है, अगेन सीट की कुशनिंग काफ़ी अच्छी है। तो जिसको भी भाई एक अच्छी CC की बाइक लेनी होती है ना, तो बेसिकली यार वहाँ पे क्या होता है ना, थोड़ा सा जो पिलियन के साथ जो सीट होती है ना, पिलियन की सीट जो होती है वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। क्योंकि जनरल क्या भाई, हम इंडियन हैं, हमारे साथ जो अपनी मदर को भी, घर में बड़े बुजुर्ग भी होते हैं तो उनको भी पीछे बैठा के ले जाते हैं एक साइड पे। तो यहाँ पे क्या है कि रॉयल एनफील्ड ने वो चीज़ काफ़ी अच्छे ध्यान रखा है। यहाँ पे आप घर में बड़े बुजुर्ग भी है ना आपके, या आपके अगर फैमिली वाले फैमिली मैन हो आप, तो आप भी यहाँ पे आराम से 2-3 लोग, एक छोटे बच्चे को लेके 2 लोग यहाँ पे आराम से जाके कहीं पे भी जाके घूम के आ सकते हो, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। काफ़ी अच्छी कम्फर्टेबल आपको राइड यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। बाकी रियर के सस्पेंशन की बात करें तो रियर में आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर मिल जाएंगे टेलीस्कोपिक टाइप में, अगेन ये एडजस्टेबल है अपने अपने अकॉर्डिंग भी, आप यहाँ से सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस ये नीचे से यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। बॉक्स सेक्शन स्विंग आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, देख सकते हो पूरा। और रियर में भी आपको जो ब्रेक्स है ये मिल जाएगी, आई थिंक ये 260 या 280 mm के आसपास का जो डिस्क ब्रेक डिस्प्लेट आपको मिल जाएगी, वाइब्रेकर ब्रेक कैलिपर मिल जाएगा ट्विन पिस्टन वाला, काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे डिस्क काफ़ी बढ़िया दे रखी है, काफ़ी बड़ी सी दे रखी है। और जो रियर टायर है ये आपको मिल जाएगा 110/80R17, और अगेन ये भी ट्यूब वाला टायर है, यहाँ पे ट्यूबलेस अभी ऑफर नहीं हुआ है। बाकी जैसे इसके एसेसरीज वगैरह आ जाएगी या रॉयल एनफील्ड के साइड से तो
आपको वहाँ पे भी अलॉयज भी अलॉयज का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी जैसे ये स्क्रैम्बलर बाइक है तो जनरली स्क्रैम्बलर में होता क्या है कि आपको अलॉयज देखने को नहीं मिलते, यहाँ पे यही चीज़ रखी जाती है। बाकी इसमें आप क्या क्या है देखो, पीछे से भी अगर आप देखोगे तो ये जो टेल लाइट है ना ये भी आपको एलईडी मिलेगी, इंडिकेटर भी एलईडी मिलेंगे। अगेन जो आपकी नंबर प्लेट वाली लाइट है ये वाली, ये भी आपको पूरी एलईडी ही देखने को मिलने वाली है। बाकी यहाँ बियर बना हुआ है तो बियर 650 है तो यहाँ पे आपको बियर भी बना हुआ दिख रहा है कुछ इस तरीके से। और ये साइड में लिखा हुआ है इंटरसेप्टर बियर 650। अगेन ये इंटरसेप्टर वाली फैमिली से ही आ जाती है बाइक, बट ये थोड़ा स्क्रैम्बलर लुक के साथ है। अगेन इसमें सिंगल एग्जॉस्ट है। अब आपको एक बार इसका एग्जॉस्ट साउंड सुना देते हैं, फिर बताता हूँ कि इसमें जो एग्जॉस्ट है ये आपको सिंगल क्यों दिया हुआ है। करते हैं इसको स्टार्ट और सुनाते हैं आपको इसका एग्जॉस्ट साउंड। तो ये है भाई कुछ इसका एग्जॉस्ट नोट अपनी बियर 650 का, काफ़ी हद तक सेम है। बट इसमें क्या ना अंडरबेली लगा हुआ है, यहाँ पे ही देख सकते हो। तो अंडरबेली जैसे ही आप रिमूव कर दोगे, इसको अगर आप डायरेक्ट करवा दोगे यहाँ पे, आप इसमें एग्जॉस्ट आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो जैसे बहुत सारे ब्रांड्स यहाँ पे ऑफर करते हैं, तो उनके लगवा लोगे तो भाई काफ़ी ज़्यादा लाउड हो जाएगी और काफ़ी ना रोरिंग है और थंप काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इस इंजन के साथ। एग्जॉस्ट साउंड आपने सुन लिया, अब आपको चलते हैं इसके डैश की तरफ। तो डैश अगर आप देखोगे तो डैश आपको कुछ इस तरीके से मिलने वाला है इसका मीटर। एक बार अभी ऑन ऑफ कर देते हैं इसको दोबारा से, तो इस तरीके से लिख के आएगा इंटरसेप्टर बियर 650 और ये पूरे इस तरीके से डाउन लाइट होगा। यहाँ पे आपका टॉप में जो आपका ये RPM आ गया, ये आपका गियर पोजीशन इंडिकेटर आ गया, यहाँ पे स्पीड आ गई। एंड ये जो है ना डार्कनेस जो ब्लैक है, इसको आप लाइट में भी कर सकते हो, दूसरा डार्क भी कर सकते हो लाइट वर्जन में, तो दो वर्जन में आपको मिल जाएगा। बाकी ये सेम यूनिट है जो अपनी गुरिल्ला के अंदर और आपने हिमालयन के अंदर देखा है। इसमें नेविगेशन वगैरह है, कॉल का सपोर्ट है, ईमेल एंड ये सब आपको सपोर्ट मिल जाएगा। बाकी म्यूज़िक एंड ऑल आप चेंज वगैरह यहाँ से कर सकते हो, वो सब भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आपको इसमें यहाँ पे कुछ भी देखना तो यहाँ पे बटन दिया हुआ है जिससे आप यहाँ पे अपना एडजस्ट वगैरह कर सकते हो। इसमें इधर भी दिया हुआ है, इधर भी बटन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देख लो यहाँ पे राइड मोड ऑन, ABS ऑन ऑफ, ये आप कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो इसके अंदर कुछ, और यहाँ से फिर ये कर सकते हो, देखो कुछ इस तरीके से पूरा है। ये आपको सारे फंक्शन यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी जैसे सारे फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे। ओडो दो ओडो मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये सब आपको बढ़िया सा मीटर देखने को मिल जाएगा। बाकी ये सेम ही है जैसे अपनी हिमालयन वगैरह के अंदर आ रहा है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा ऐसा फीचर ऐड नहीं किया है। बाकी हैंडल बार अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरसेप्टर को रिजेंबल करता है, तो उस तरीके से हैंडल बार है, काफ़ी अपराइट पोजीशन में हैंडल बार आपको देखने को मिलने वाला है। जबकि जो अपनी इंटरसेप्टर वगैरह आती है वो थोड़ा सा आप फ्रंट वहाँ पे लीन होकर बैठते हो, बट इसमें आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट बैठने वाले हो, क्योंकि जो राइड बाइक अगेन मैं आपको बता रहा हूँ ये स्क्रैम्बलर है, तो उसके हिसाब से आपको मिलने वाला है। बाकी सिटी के लिए काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाली आपकी राइड, आप पर डे मतलब डेली अगर आपको अप डाउन करना है अपने ऑफिस से और आप एक पावरफुल बाइक लेना चाहते हो तो आप इसको 100% आप इसको कंसिडर कर सकते हो। पावर के साथ साथ आपको बढ़िया एग्जॉस्ट साउंड भी मिलेगा, साथ ही में कंफर्ट भी आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। बाकी अगर आप स्विच केस वगैरह देखोगे तो किसी भी बाइक में यहाँ पे ये ना जो ये वाला पोर्शन होता है ये आपको ग्लॉसी में नहीं मिलता, बट यहाँ पे रॉयल एनफील्ड ने ये वाला पोर्शन आपको ग्लॉसी में दिया हुआ है। अगेन यहाँ पे आपकी हाई बीम लो बीम हो गई, पास हो गया इस तरीके से कुछ, और इंडिकेटर हॉर्न साथ ही में आपको यहाँ से ये मिल जाएगा आपके इसके लिए, ठीक है। तो ये देख लो ऐसे ट्रिप आ गया, तो यहाँ पे जॉयस्टिक से दिया हुआ है, तो ये ट्रिप आ गया, ट्रिप टू आ गया, फ्यूल रेंज वगैरह आपको इस तरीके से मिल जाएगा। ये देख लो फ्यूल कंजम्पशन, वोल्टेज बैटरी की कितनी है, सर्विस वगैरह यहाँ से आ जाएगा, तो ये आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो। तो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें दिखी जाएगी। बाकी फ़ोन वगैरह कनेक्ट करोगे तो आपको इसमें नेविगेशन का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। अब आपको इधर से दिखाऊँ अगर स्विच गियर में, तो जो ये वाला स्विच गियर है यहाँ से आपका ऑन ऑफ का आ जाएगा ये रहा, ठीक है। साथ ही में आपको यहाँ से हैजार्ड का ऑप्शन भी दिया हुआ है, हैजार्ड ऑन कर दिया मैंने अब, तो हैजार्ड देख लो कुछ इस तरीके से आ जाएगा आपका हैजार्ड का ऑप्शन। बाकी ये इंटीग्रेटेड ही है, ब्रांड ने मतलब सभी मॉडल्स में आपको ये देखने को मिल जाएगा, कलर आप कोई भी बाय करो। ये सब फीचर तो आपको दिखा रहा हूँ ना, ये सब बेसिक फीचर है, आपको हर वेरिएंट में देखने को मिलने वाला है। बाकी आपको पता है भाई रॉयल एनफील्ड है तो लोहा तो पूरा होने वाला है। बात करें ये फ्रंट वाला जो है ये मडगार्ड और जो अपना फ्रीयर मडगार्ड ये सब आपको ना, तो ये सब पार्ट है ना ये थोड़ा मुझे लग रहा फाइबर का है, ये तो जो रियर वाला है ना मडगार्ड ये आपको मिलेगा मेटल में, पर फ्रंट वाला जो फाइबर में दिया हुआ। बाकी ये है कुछ भाई आपकी बियर 650, कैसी लगी एक बार ज़रूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको अच्छी लगी है अगर आप बाइक करना चाहते हो तो अगेन मैं आपको शोरूम बता देता हूँ, आप यहाँ पे आ सकते हो। शोरूम का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। एक कलर ये रहा, एक कलर एरिया ये रखा है यहाँ पे, ये कलर देख सकते हो। इसमें यहाँ पे गोल्डन USD है, ये वाला पार्ट यहाँ पे रॉयल एनफील्ड का पूरा दिया हुआ आपको 3D में, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से, इसमें ज़्यादातर ब्लैक आपको पार्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये है आपकी पर्सनल चॉइस है कलर आपको कौन सा बढ़िया लग रहा है। बाकी अगर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे पर्सनली ये वाला ज़्यादा बेटर लग रहा है,
तो अगर आप बाय करना चाहते हो तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। सो भाई देखा आपने BS650 का रिव्यू, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो भाई चैनल को तो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक। बाकी मिलते हैं आपसे एक और अच्छी प्यारी सी वीडियो में, तब तक लिए अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखे। टिल देन सी यू, ओके बाय बाय।